जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि पहले एक वीडियो अपलोड की थी जर्मन शेपर्ड की इंपोर्ट के हवाले से, और जैसे कि कहा था कि इसका पार्ट टू निकालेंगे, तो आज मैं पार्ट टू के लिए हाजिर हूँ। इसमें हम जर्मन शेपर्ड पपीज़ जो इंपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान को जानना चाहते हैं कि कॉस्ट क्या इन्वॉल्व होती हैं, तो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि इससे फ़ायदा उठा सकें लोग। तो मुख्तलिफ मुल्कों से आप मंगवा सकते हैं, इसमें पोलैंड शामिल है, सर्बिया शामिल है, यूक्रेन है, जर्मनी है, इसके अलावा आप रशिया से इम्पोर्ट होते हैं काफ़ी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर पोलैंड से, सर्बिया से और रशिया से आते हैं। तो चलें देखते हैं आज, और उसको देखते हैं उनकी कॉस्ट क्या आती है। तो ये जानना, एक चीज़ बताता चलूँ कि इसमें पपी इम्पोर्ट करने में तीन तरह के खर्चे हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। एक तो पपी की कॉस्ट है, उसके अलावा दूसरा पपी की शिपमेंट की कॉस्ट है, जब उस मुल्क से, पोलैंड से, सर्बिया से, रशिया से जब आपके मुल्क में आते हैं उस पर कितनी कॉस्ट आती है, और तीसरी चीज़ उसकी कस्टम क्लियरेंस या उसकी ड्यूटी जो आपको पे करनी पड़ती है अपने मुल्क में, उसकी कॉस्ट है। तो जैसा कि आपको बताया था कि पोलैंड को देखते हैं आज, पोलैंड में बच्चों की प्राइसेस उनकी जो लोकल करेंसी है उसके मुताबिक 500 से स्टार्ट हो जाती हैं और ऊपर जाती हैं, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, इससे ऊपर भी जाती हैं। लेकिन अमूमन जो प्राइस रेंज है FCI पर डिग्री की, वो तकरीबन 1500 से लेके 2500-3000 तक घूमती है अच्छे पापीस की। बहुत अच्छे पापीस हो जाएं तो 4000 तक भी जाती है, लेकिन वो शायद नादिर है। और अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट VA1 के बच्चे लेना चाहेंगे जिसके साथ फीमेल भी अच्छी होगी, हो जो कि टाइटल्ड होगी, उसकी प्राइस डिपेंड करता है, वेरी करती है। तो आगे चलने से पहले मैंने आपको बताया कि जिस तरह प्राइसेस का कैसे तयन किया जाता है, तो जिस तरह हम पाकिस्तान में पपीज को सेल करने के लिए अक्सर लोग ओलेक्स पे ऐड लगाते हैं, इसी तरह पोलैंड में उनका एक वेबसाइट है, इसको ओलेक्स कहते हैं, ओलेक्स पोलैंड, तो उस पर उनके एड्स अवेलेबल होते हैं। तो आइए चले, मैंने कुछ एड्स खोले हुए हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके देखते हैं क्या मामलात हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं जी, ये उनकी वेबसाइट है जी ओलेक्स पोलैंड की, अगर आप देख सकते हैं पोलिश में, मैंने इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। डॉग्स में चले गए हैं, डॉग्स में जाने के बाद हमने जर्मन शेपर्ड को क्लिक किया है, आप देख सकते हैं प्राइसेस, FCI पपीज 2500 PLN, ये इस तरह सारे पपीज आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। डॉग्स भी हैं, बड़े भी हैं, फीमेल भी, ये देखिए पपीज हैं ये भी, इसके अलावा और हैं। तो मैंने कुछ एड्स खोल के रखे हुए हैं, उनसे देखना शुरू करते हैं। देखें जी, ये पपी का एड लगा हुआ है, 600 पोलिश PLN का, जो उनकी करेंसी है जोलते। और अगर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है लॉन्ग हेयर 800 का, और ये निगोशिएबल है। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, पपीज की आप क्वालिटीज देख सकते हैं आपके सामने है। एक और ऐड को देखते हैं, ये दूसरा ऐड है, ये मैंने खोला हुआ था, ये पपीज हैं 2500 PLN के, ये FCI के पपीज हैं, और इस पे फादर मदर की आगे पेडिग्रीज भी मेंशन्ड है, नेम्स भी मेंशन्ड है, उनके पूरी पेडिग्री लिंक है, अच्छी लाइन से पापीज हैं ये। एक और खोलते हैं जी, ये 1500 के पापीज हैं, उनकी जोलटे में FCI हैं, ये भी लॉन्ग हेयर्ड हैं, और ये इनके पास सिर्फ फीमेल्स रह गई हैं। ये इनका जी बाप है, ये देखिए जी, मैंने आपको पहले दिखाया था, ये 2500 के पापीज हैं, इनकी लोकल करेंसी, बाद में बताऊंगा इनकी करेंसी से पाकिस्तानी कितने पैसे बनते हैं। एक और ऐड देखते हैं, ये 1300 के पापीज हैं, ये भी FCI हैं, इसमें कुछ लॉन्ग हैं, कुछ स्टॉक कोट में हैं।
ये 500 के हैं, उनकी लोकल करेंसी जो जोलते हैं। ये पेडिग्री लिखी हुई है, ये क्रॉन, ये क्लब पेडिग्री है इनकी, ये इनका बाप है जी, आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं। तो ये तो मैंने आपको पपीज का बता दिया कि पपीज की प्राइसेस तो वेरी करती हैं। अब उसके बाद आगे शिपमेंट की कॉस्ट, शिपमेंट की कॉस्ट का कैसे अंदाजा लगाया जाए। मेरे पास एग्जैक्ट पपीज की कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने कुछ अर्सा पहले इंक्वायरी डाली थी, जो मुझे कॉस्ट मिली थी वो ये थी। मैंने स्क्रीनशॉट मेरे पास सेव है, ईमेल मुझे मिल नहीं रही, जब मिलेगी तो इंशाल्लाह वो भी लगा दूंगा। तो ये डॉलर्स में है कॉस्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं साइज 5, ये पपीज से के लिए साइज थोड़ा छोटा होता है, मैंने एडल्ट की इंक्वायरी की थी तो उसमें आया था। तो आप ये करें, जो साइज 7 है, काफी बड़ा साइज है, इसमें तकरीबन 3 पपीज आ जाते हैं। और समटाइम्स आप 3 पपीज एक जेड बॉक्स में रख के मंगवा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके भेजने वाले पर कैसा करता है। तो हम इसको लेके चलते हैं कि 3 पपीज अगर इसमें आते हैं तो $1,280 बनेंगे। ये कतर एयरवेज की कॉस्ट है। तो इसके बाद मैंने क्या किया है जी, कि मैंने थोड़ा सा इसको डाला है एक एक्सेल की प्रेजेंटेशन में। तो आप देख रहे हैं कि ये पपी की कॉस्ट है, तो मैंने बताया उनकी लोकल करेंसी जो पॉलिश है 500 से स्टार्ट होके आगे 1,000, 2,000, 4,000 तक जाती है। 4,000 में बहुत टॉप का पपी आपको मिल सकता है, बहुत टॉप का, लेकिन अमूमन 1,000 और 2,000 के दरमियान में आपको पपीज अच्छे मिल जाते हैं। अब ये तो उनकी कॉस्ट है पोलिश करेंसी में। जब इसको एक जो उनका जोलते है वो पाकिस्तानी 40 रुपए का है, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पाकिस्तानी ये बनते हैं। तो पाकिस्तानी उनका क्लब पेडिग्री का बच्चा 20,000 रुपए से स्टार्ट होता है, और ये आगे जाते जाते 1,60,000 रुपए तक जाता है, जो बेहतरीन बच्चा है। अब इसके ऊपर कुछ और कॉस्ट भी आ सकती हैं, जिसमें उनकी अगर पासपोर्ट कईयों का नहीं बना हुआ वो बनवाना पड़ता है उनको, पेडिग्रीज की कॉस्ट सम ब्रीडर्स मांग लेते हैं कि हमें पेडिग्री कॉस्ट, तो वो तकरीबन पाकिस्तानी 8,000 रुपए बनती है। अब जैसे कि बताया कि साइज 7 का बॉक्स हमने लिया था, जो 1,280 यूरो का था, सॉरी डॉलर्स का था, जो पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन। ये मैंने जो फॉर्मूला लगाया है, ये इसमें मैंने ये अज्यूम किया है कि इसमें 3 पपीज आ रहे हैं, तो एक पपी की जो कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट आएगी वो 70,000 रुपये, 887 रुपये आएगी, 27 रुपये आएगी, अगर 3 पपीज एक क्रेट में आते हैं, जेड बॉक्स में आते हैं। और अगर हम ये करते हैं कि नहीं, हम एक पपी मंगवाते हैं तो छोटा साइज यूज होगा, साइज 5 भी नहीं होगा, उससे भी छोटा होगा। मैंने एक तखमीना लगाया कि 600 का होगा वो, तो एक पपी जो है वो आपका 99,600 रुपये में पाकिस्तान आएगा। ये 28,000 रुपये का डिफरेंस है इसमें। अच्छा, कस्टम की कॉस्ट पाकिस्तान में वेरी करती है, पहले कम थी अब थोड़ी बढ़ गई है, अब तकरीबन आपका एवरेज लगा लें आप 35-40 हज़ार रुपये में आपका पपी क्लियर हो जाना चाहिए। जब कॉस्ट को ऐड करते हैं, ये मैंने यहाँ पे देखा होगा सारी कॉस्ट ऐड की हैं, तो ये तब कॉस्ट है, ग्रीन वाली कॉस्ट हुआ है, जब पपी 3 पपी इकट्ठे आते हैं तो एक पपी कितने में पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 1,38,000 रुपये में जो सबसे लो क्वालिटी के पपी है वो आपको पड़ेगा, फिर 1,58,000 रुपये में जो कि FCI पेडिग्री होंगे, क्लब पेडिग्री होंगे, फिर 2,000 वाला जो है वो आपको 1,98,000 में, फिर 2,78,000 में। अगर यही पपीज आप अकेले अकेले मंगवाते हैं तो 1,67,000 से लेके 3,60,000 रुपये तक आपको पपी आएगा। तो ये कॉस्ट बनती है। अमूमन जो एवरेज है, जो कॉस्ट बननी चाहिए है, अगर आप अकेला पपी मंगाते जो अच्छी क्वालिटी का है, वो आपको मिलेगा 1,000 और 2,000 के दरमियान वाला पपी। तो आप ये देख लें कि ये वाला, ये दो, इसकी एवरेज अगर हम निकालते हैं तो ये बनती है 1,78,000 रुपये, अगर 3 पपी इकट्ठे आ रहे हैं। और अगर एक एक पपी आ रहा है तो इसकी एवरेज बनती है तकरीबन 2,07,000 रुपये। अब इसके बाद बाकी जो लोग ये काम करते हैं, मंगवाते हैं, उनका अपना एक तरीकेकार है, उनकी मेहनत है, वो ढूंढते हैं, टाइम लगाते हैं, तो अपना प्रॉफिट रखते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से आगे वो बच्चे सेल आउट करते हैं। तो खुद मंगवाया जाए या किसी के थ्रू मंगवाया जाए, मशवरा ये है कि किसी के थ्रू जो पहले इंपोर्ट करता है उसके थ्रू मंगवाना बेहतर है, क्योंकि जिस तरह आपको बताया धोखा बहुत ज़्यादा है,
पैसे गवा गवाए जा सकते हैं, तो ये एडवेंचर न लिया जाए जब तक सही तसल्ली न हो जाए। तो ये थोड़ी सी चीजें थी मैं आपको बताना चाहता था, बता दी। अब ये मैंने पोलैंड की कॉस्ट दी है, अब सर्बिया अराउंड द सेम, रशिया रशिया की शिपमेंट कॉस्ट थोड़ी सी कम है जो मुझे पता है। वो कॉस्ट आप समझ लें कि शिपिंग कॉस्ट अराउंड 30-40% कम है। तो जो पपी रशिया से आएगा उसकी प्राइस थोड़ी सी और आप 30-40% के करीब कम कर लें, क्योंकि उधर से शिपमेंट आसानी से हो जाती है, ट्रेवल डिस्टेंसेस कम है, उस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे प्राइस कम मिलती है। तो ये वीडियो है पपीज की, आगे बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं कि आगे एडल्ट मेल्स की, इसके अलावा एडल्ट फीमेल्स के बारे में बताएं, उनकी प्राइसेस क्या हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला तो अगली कुछ वीडियोस में उन पे भी बात करूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।